किसान मजदूर संघ और संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल आज विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने संसद भवन पहुंचा। पहले इन किसानों को एंट्री नहीं मिली, जिसके चलते राहुल गांधी उनसे मिलने बाहर आ गए। बाद में किसान नेताओं को अंदर जाने दिया गया। उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी मांगों पर चर्चा की। किसान नेताओं ने MSP गारंटी कानून और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपनी बात राहुल गांधी के सामने रखी। हमारे मैनिफेस्टो में MSP विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, MSP लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। आप वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। हमारे साथ, पूरे देश के साथ विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने एक कमिटमेंट की थी अपने चुनाव मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम MSP की गारंटी का कानून लाएंगे। देश के लोगों को एक उम्मीद थी, वही बात लेकर हम पूरा दोनों फोरमों की तरफ से इनके पास आए थे। इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि हम हर हाल में इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का प्रयास करेंगे। यहीं तक नहीं, हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करवाया जाए, हल करवाया जाए, वो हम करवाएंगे। दूसरी बात, जिन अधिकारियों ने हमें बॉर्डर पर रोका और जिन्होंने हमारे पर गोली चलाए, 433 किसान जख्मी कर दिए और जहरीली गैसें फेंकी, उनको सम्मान करने के लिए ग्लेंट्री अवार्ड दिया जा रहा, उसको भी हमने उनके सामने रखा। अभी देश की आजादी के बाद जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो जनरल डायर को अंग्रेज सरकार ने सम्मान किया। पहली बार भारतीय सरकार जो किसान मजदूर के ऊपर जुल्म हो रहा, उस अधिकारी को सम्मान करने जा रहे, इनको रोका जाना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया हमें भी हम ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे।